अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातु, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। हैदराबादी चैंपियन चैनल में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपका दोस्त सैयद नूरुद्दीन फिर एक न्यू वीडियो के साथ। आज हम आ पहुंचे हैं A1 टाउनशिप, जो कि जहांगीरपीरा दरगाह से बिल्कुल करीब में। यहाँ से आपको 3 किलोमीटर की दूरी पर जहांगीरपीरा दरगाह है। 100 फीट की रोड और उसके बाजू आपको देखेगा A1 टाउनशिप। यहाँ पे प्रीमियम विला प्लॉट फॉर सेल, HMD अप्रूव्ड है। आपको देख सकते हैं, हम आज पहुँचे हैं A1 टाउनशिप पर। यहाँ पर सारी डिटेल मैं आपको दूंगा, यहाँ पर क्या प्लॉट्स है, कितने प्लॉट्स है और कितने एकड़ पे ये वेंचर है, और यहाँ पर रोड, ड्रेनेज, लाइट, हर वो चीज़ की मैं डिटेल दूंगा। वीडियो पूरा लास्ट तक चेकआउट कीजिए। पहले रास्ते से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको आने में, वेंचर पर आने में आसानी हो। तो मैं आपको आरामगढ़ चौरस्ते से लेकर वीडियो स्टार्ट करूँगा। वीडियो स्टार्टिंग से चलिए आइए रास्ते से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद अंदर जाएंगे सारी डिटेल। ये आरामगढ़ चौरस्ता है, ये आरामगढ़ चौरस्ते से अब स्ट्रेट पुराना पुल और बहादुरपुरा जाने की रोड है, और यहाँ से मेहदीपट्टनम और अत्तापुर जाने की, जो फ्लाईओवर देख रहे हैं आप यहाँ से, ये फ्लाईओवर सीधा आपको अत्तापुर मेहदीपट्टनम, आपकी जो ऑफिस रहेंगी राजेंद्र नगर पे 204 कने आपकी ऑफिस है A1 टाउनशिप। तो ये चौरस्ते से अपन वेंचर पे जाने वाले हैं। यहाँ से आप ये चौरस्ते से राइट जो स्ट्रेट जाएंगे आप, चंद्रनकुटा, LB नगर, बाबा नगर, बारकस वगैरह, ये रोड से जाएंगे। ये स्ट्रेट बहादुरपुरा पुराना पुल, यहाँ से मेहदीपट्टनम, और यहाँ से ऑफिस आपको 6 किलोमीटर पे मिल जाएंगी राजेंद्र नगर पे 204 का A1 टाउनशिप। अब यहाँ से अपन ये चौरस्ते से स्टेट जो रोड जा रहे हैं अपन वेंचर पे जा रहे हैं। अब वेंचर तक मैं ले जाके आपको पूरी वीडियो बताऊंगा, पहले रास्ता देख लीजिए आप। आप देख सकते हैं बोर्ड, शमशाबाद 8 किलोमीटर, RJ एयरपोर्ट 12 किलोमीटर, शादनगर 44, महबूब नगर 92 किलोमीटर, बेंगलुरु, ये बेंगलुरु हाईवे है। यहाँ से अपने को आरामगढ़ चौरस्ते से आपको 25 से 30 किलोमीटर के अंदर पर आपको ये वेंचर मिलेगा। वेंचर जाके स्टार्ट करेंगे, पूरा वीडियो लास्ट तक चेकआउट कीजिए। आरामगढ़ चौरस्ते से 8 किलोमीटर दूर आने पर आपको ये शमशाबाद दिखेगा। यह शमशाबाद स्ट्रेट एक ही रोड, आरामगढ़ से अपन ज़्यादा स्ट्रेट एक है। फ्लाईओवर से अगर जाते तो मैं वीडियो नहीं बता सकता था, इसीलिए नीचे से आ रहा हूँ। सीधा आरामगढ़ चौरस्ते से एक ही रोड 8 किलोमीटर की दूरी पे आपको शमशाबाद मिलेगा, और यहाँ से आपको अंदर एक रोड जाएगी नरखुड़ा, जो कि एक विलेज है नरखुड़ा गांव, वहाँ पे भी जाएगी। और यहाँ से आपको एक 3-4 किलोमीटर की दूरी पर RJ एयरपोर्ट, शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यहाँ से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा। चलिए आइए, अब यहाँ से सीधा अपन वेंचर करने जाएंगे और वहाँ पर वीडियो बताएंगे वेंचर कैसा है, क्या है और पूरी डिटेल दूंगा। जैसा अपन देख रहे हैं स्ट्रेट अपन आरामगढ़ से शमशाबाद आए, शमशाबाद से स्ट्रेट एक ही रोड आना है अपने को। आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना बोल के मैं क्या कर रहा हूँ, हर थोड़ी थोड़ी दूर पर जाके रुक कर वीडियो बना रहा हूँ। सीधा स्ट्रेट आए के बाद शमशाबाद से एक ही रोड स्ट्रेट शमशाबाद से, ऐसा स्ट्रेट आने पर आपको यहाँ पर एक बोर्ड देखेगा, यह एक्चुअली बेंगलुरु हाईवे है। ये आपको ये JP दरगाह बोर्ड देखेगा, आगे से लेफ्ट जाना है। तो अपने वेंचर को भी वहाँ से, ये जो JP दरगाह का एरो दिख रहा है आपको, आगे से लेफ्ट है, इसीलिए वो लेफ्ट से पहले मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। लेफ्ट सी से लेफ्ट लेके सीधा अंदर जाना है और अपने वेंचर पे। चलिए आइए आगे जाएंगे, लेफ्ट लेंगे, फिर वहाँ से भी मैं आपको जी आगे का रास्ता बताऊँ। तो मैं बता रहा था ये लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट लेंगे, स्टेट गए तो वो अपना शादनगर बेंगलुरु हाईवे स्टेट गए के बाद, तो ये लेफ्ट ले लेंगे। अपने को यहाँ से कमान दिखेंगे अपने को JP दरगाह की, JP की दरगाह की कमान से सीधा अपन यहाँ से थोड़ी दूर पर अपना वेंचर है, ओके। और आपको रास्ते में कोसे कोसे कंपनी वगैरह मिलते हैं, वो भी मैं थोड़ा बहुत कवर करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आपको एक LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट दिखेगा, ये JP दरगाह कमान, यहाँ से स्ट्रेट अपने को अंदर जाना है, ओके। अपन ये चौरस्ते से लेफ्ट लिए, अपन राइट साइड से आ रहे थे, राइट साइड से अपने को शमशाबाद से और आरामगढ़ से आ रहे थे, आगे के आपको एक चौरस्ता दिखेगा, चौरस्ते पे से लेफ्ट लेने का अपने को, यानी कि JP दरगाह की कमान। ये कमान से स्ट्रेट थोड़ी दूर पर जाने के बाद अपना वेंचर है, और रास्ते में क्या क्या मिलता थोड़े बहुत चीज़ें वो भी कवर करूँगा, कंपनी वगैरह जो जितना मैं मुनासिब हूँ, जितना कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छा वीडियो बनाए, ओके। वीडियो पूरा लास्ट तक चेकआउट कीजिए। जैसा आप देख रहे हैं कमान से सीधा अंदर आए के बाद आपको LV प्रसाद इंस्टीट्यूट से ज़रा आगे के बाद आपको यहाँ पे आप एक बोर्ड देखेगा, यहाँ पे भी आपको नेटको फार्मा लिमिटेड ये देखेगा आपको लेफ्ट साइड में, राइट। सीधा स्ट्रेट एक ही रोड जाना है, थोड़ी दूर पर यहाँ से वेंचर है, ओके, नेटको फार्मा लिमिटेड वो कमान, वहाँ से सीधा एक ही रोड, ठीक है। कमान से
कमान से अंदर आगेगा तो ये 100 फीट की रोड है आपको सीधा गए तो यहाँ से थोड़ी दूर पे जेपी दरगाह है आपको। जेपी दरगाह से पहले आपको लेफ्ट साइड में दोस्तों ये एवन टाउनशिप के जो वेंचर के सामने जो रोड है यानी कि 100 फीट की जो रोड है बाहर से इसलिए वीडियो बता रहा हूँ आपके ताकि आपको पता चले यहाँ से बस की भी फैसिलिटीज है हर वो चीज़ की फैसिलिटीज है। यहाँ से जेपी दरगाह भी बिल्कुल करीब में देख सकते हैं आप, सामने से बस भी आ रही है, मैं आपको अभी वीडियो बताऊँगा। यहाँ पर आपके वेंचर के अपोजिट में ही आपको एक बस स्टॉप भी मिल जाएगा, ये आपका एवन टाउनशिप। चलिए आइए अंदर जाएंगे, सारी डिटेल दूंगा मैं अंदर जाके आपको। ओके, ये है एवन टाउनशिप का वेंचर, आप देख सकते हैं। मैं ऊपर से सारी डिटेल बताऊंगा, मैं आपको पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आपको अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी ड्रेनेज और 40 फीट के रोड्स आपको वेंचर में मिल जाएंगे। आप एक बार ऊपर से सारा नज़ारा करिए, प्रीमियम लुक, प्रीमियम लोकेशन, गेट कम्युनिटी, हर वो चीज़ की यहाँ पर आपको फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। बिल्कुल 100 फीट की रोड से जहांगीर पीना दरगाह से 3 किलोमीटर पहले आपको ये वेंचर मिल जाएगा। हर वो चीज़ की सहूलत है, हर वो मल्टीनेशनल कंपनी आपको यहाँ से नियर बाई में मिल जाएंगे और लोकेशन बहुत ही अच्छा है, प्रीमियम लुक है, देख सकते हैं आप। इलेक्ट्रिसिटी पोल्स भी मिल जाएंगे और अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है, ड्रेनेज भी अंडरग्राउंड है आपको। 40 फीट के अंदर रोड आपको दिए गए हैं वेंचर में और वेंचर में आपको 183 स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट है प्लॉट्स। क्या रेट का है मैं आपको वीडियो स्क्रीन पे दे दूंगा, यहाँ पर क्या रेट चल रहा आपको देख सकते हैं आप। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लुक है, करके बता रहा हूँ, नीचे जाके सारी डिटेल मैं आपको दूंगा। और ड्रेनेज और आपको पार्क भी मिल जाएगा इसमें आपको, और HMD अप्रूव्ड है, स्पॉट रजिस्ट्री है और क्लियर टाइटल है। जो कोई भी यहाँ पर आप अगर प्लॉट लेना चाह रहे 183 स्क्वायर यार्ड से यहाँ पर स्टार्ट है प्लॉट्स, तो आप आगे देख से हर वो चीज़ की सहूलत है आपको, रोड्स वगैरह भी है आपको, फुटपाथ भी यहाँ पर बने हुए हैं और आपको बिल्कुल करीब में पार्क भी बना हुआ है। बहुत ही प्रीमियम लुक, प्रीमियम प्लॉटिंग और जेपी दरगाह से बिल्कुल 3 किलोमीटर की दूरी पर पहले, जेपी दरगाह से 3 किलोमीटर पहले आपको 100 स्क्वायर यार्ड की रोड से लग के ये वेंचर आपको मिल जाएगा। तो जो कोई भी लेना चाह रहे अच्छी जगह, अब अगर लो इन्वेस्टमेंट में हाई रिटर्न कमाना चाह रहे तो आप A1 टाउनशिप से रब पैदा करें और आइए साइट विजिट के लिए। यहाँ पर कार वगैरह भी है आपको अतापुर राजेंद्र नगर पर, यहाँ पर A1 टाउनशिप की आपको ऑफिस मिलेगी, वहाँ से आपको साइट विजिट करने के लिए कार की भी सहूलत है, पार्क भी मैं आपको बताऊँगा। तो भरोसे का नाम A1 टाउनशिप, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं A1 टाउनशिप से और आके आप पहले मुतमईन होकर प्लॉट वगैरह देख लीजिए, देखेगा तो आपको समझ में आता है। वीडियो में मैं जितना हो सके उतना अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और ख़ास तौर पे हमारे व्यूवर्स के लिए इतनी दूर आकर मैं वीडियो इतनी बना रहा हूँ कि आपको समझ में आए कैसा है और आप भी यहाँ पर आके देखेगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लुक है, प्रीमियम लुक है और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर प्लॉटिंग किया गया है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए पार्क के लिए भी जगह स्पेशली छोड़ी गई, फ्यूचर में आप अगर घर वगैरह भी बना रहे आप जब भी लिए स्पॉट रजिस्ट्री हो जाएगा और उस दिन से ही आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। गार्डिंग एरिया, पार्क एरिया है ये आपको और रोड्स वगैरह और फुटपाथ भी यहाँ पर बने हुए हैं। मेन खास बात इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर अंडरग्राउंड है, ये प्रीमियम लुक में आता है। यहाँ पर पोल्स का जो भी MCB वगैरह रहते और आपको टैंकी भी है अपने वेंचर में। आप यहाँ पर प्लॉट लेके स्पॉट रजिस्ट्री करा के स्पॉट पे काम स्टार्ट कर सकते हैं और ये वेंचर पे आप देख सकते हैं। आपको मैं लाइव बताऊंगा, जो है वो बताऊंगा सारी डिटेल। यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है वेंचर पर, एक विल्ला का काम स्टार्ट भी हो चुका है। 204 कने आपको ऑफिस है A1 टाउनशिप की और फ्री विजिटिंग के लिए आपको कार की भी सहूलत है, आके आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद मुतमईन होके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो कोई भी सऊदी, दुबई, खतर, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ से भी ये लोग वीडियोस देख रहे हैं मेरे सब्सक्राइबर, उनके लिए ये वीडियो है और न्यू व्यूवर्स जो भी है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली न्यू अपडेट आपको मिलते रहे। ये है जेपी दरगाह, जेपी दरगाह से अपन अभी जो वेंचर देख रहे थे A1 टाउनशिप वालों का, इनका और एक वेंचर है, आगे वेंचर पर जाके सारी डिटेल दूंगा, वो वेंचर की भी मैं आपको बताऊँगा। जो कि जेपी दरगाह रोड है, जो कि दरगाह से रोड सीधा आपको केशमपेट पे जाने वाली है, यहाँ तक आगे स्ट्रेट, तो ये रोड से बिल्कुल लग के आपको ये वेंचर मिलेगा आपको A1 टाउनशिप वालों का, देख सकते हैं आप। रोड भी बिल्कुल करीब में है आपको और इंशाल्लाह आगे आपको जेपी दरगाह का डेवलपमेंट होने वाला है और रीजनल रिंग रोड भी आने वाली है आपको,
अनखरीब में इंशाल्लाह। तो ये वेंचर भी एकदम बिल्कुल आपको जेपी दरगाह की रोड पे लग के ही आपको राइट साइड पे देख सकते हैं, ये वेंचर की रोड है और बहुत ही अच्छा वेंचर है। ये भी अंडर प्रोसेस काम चल रहा है अभी पोल्स का, रोड का, इंशाल्लाह DDCP अप्रूव लेआउट है ये और स्पॉट रजिस्ट्री और आपको क्लियर टाइटल है ये भी। आपको अपन जो वेंचर देखे थे HMD अप्रूव, जो कि जहांगीर पुरा से 3 किलोमीटर पहले था, और ये वेंचर जहांगीर पुरा से 3 किलोमीटर आगे है। अगर आप कार की भी सहूलत है, मतलब यानी कि ड्राइविंग जो आप साइट विजिट करने आएंगे वो वेंचर पे आएगा, ये वेंचर भी आप देख लेके जा सकते हैं। तो ये वेंचर का काम अभी अंडर प्रोसेस है, यानी कि रोड का पोल्स का काम चल रहा। ये DTCP अप्रूव लेआउट है, ये यहाँ पे 146 स्क्वायर यार्ड से आपको प्लॉट मिल जाएंगे कम से कम दाम पे। ये भी आबादी से लग के ही वेंचर है, आपको यहाँ से खरीद में दूरी पे वो 3 किलोमीटर पहले था जाएंगे दरगाह से, था साइड से आके रोड मेन रोड से लग के है ये भी वेंचर। अभी अंदर वेंचर में काम चल रहा, अंडर प्रोसेस है। ये DTCP अप्रूव लेआउट है, 146 स्क्वायर यार्ड से यहाँ पे आपको प्लॉट मिल जाएंगे जो कोई भी लेना चाह रहे। डायरेक्ट A1 टाउनशिप वालों का नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, साइट विजिट के लिए कार भी मिल जाएंगी आपको, और ऑफिस भी माशाल्लाह बहुत अच्छी ऑफिस है आपको राजेंद्र नगर पे 204 पिल्लर नंबर के पास। ये है A1 टाउनशिप की ऑफिस जो कि राजेंद्र नगर पे है, आप देख सकते हैं A1 टाउनशिप, आपको एकदम लोकेशन मिलेगा पिल्लर नंबर 204 राजेंद्र नगर। यहाँ से स्ट्रेट जाने पर मेहदीपट्टनम, और यहाँ से आपको वो रोड से सीधा स्ट्रेट वो रोड से जाने का आपको आरमगढ़, बल्लावड़ा, चंद्रन गुट्टा रोड, और आपको राइट जाने पर अपना वेंचर जो कि बेंगलुरु हाईवे। तो ये ऑफिस है, जो भी ऑफिस पे आना चाह रहे 204 पिल्लर नंबर, यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में A1 टाउनशिप का बोर्ड दिख जाएगा, ऑफिस दिख जाएगी, स्क्रीन पे नंबर भी है। तो ये था A1 टाउनशिप का वेंचर। अगर ऐसे हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि हर आने वाली न्यू अपडेट आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एड के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।